नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागौड़ा लाइव न्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना से बचाव के कुछ उपाय हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे। और हमारे साथ यहां पर आपका शुभ नाम सर? मैं प्रदीप कुमार गामोट, हरियो मेडिकल स्टोर सागौड़ा। आपका सागौड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर स्वागत है सर। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना महामारी के दौरान हमने सारे दौर देखे और लगभग लोग कोरोना से बचने के उपाय और कैसे इसके सिम्टम्स हैं, किस तरह से ये बीमारी होती है, सारी चीज़ें लगभग लोग आज की तारीख में सभी चीज़ें उन्हें मालूम है। फिर भी अगर इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में बहुत ही कोशिश करते हैं हम कि कोरोना से बचाव करें, बचे रहें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम संक्रमित एक्सीडेंटली हो ही जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अपना प्राथमिक उपचार कैसे करें, इसके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए और उसके लक्षण उसे किस तरह से मालूम होते हैं? पहले तो मैं आप सबको एक जानकारी दे दूं कि कोरोना तीन प्रकार से संक्रमण होता है शरीर के अंदर। एक गले से होता है, एक नाक से होता है और एक लंग्स में होता है। अब जो नाक और गले का जो इन्फेक्शन होता है वो 2 से 3 दिन के अंदर खत्म हो जाए, उसमें रिकवरी हो जाती है। लेकिन इसके तीसरा जो है लंग्स में अगर वो कोरोना अगर जाता है, अगर कोरोना पॉजिटिव होता है, तो उसके लिए क्या कि डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने बताया कि फर्स्ट एड में ऐसा क्या करें लोग कि डॉक्टर को बताने से पहले प्रिकॉशन के रूप में क्या ऐसी दवाई या ऐसे क्या सलाह या कोई काम करें जिससे अपने आप को बचा सकते हैं। इसके प्रमुख तो लक्षण ये होता है कि एक तो आपको कंटिन्यू बुखार आता है, रेगुलर बुखार आता है, 3-4 दिन तक रेगुलर बुखार आता है, शरीर के अंदर पूरी गर्मी रहती है, तापमान शरीर का बढ़ा हुआ होता है। दूसरा, गले में खराश आती है और खांसी अनवरत चलती रहती है। ये प्रमुख तो लक्षण इनके ये हैं, एक तो खांसी रेगुलर आना, शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होना, और दूसरा ये होता है कि इसके अंदर टेस्ट, जो खाने का जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो एकाएक गायब हो जाता है। अगर इस प्रकार के लक्षण किसी भी व्यक्ति में 5 या 7 दिन के अंदर चल रहे, कंटिन्यूटी चल रहे, तो आपको MBBS डॉक्टर, फिजिशियन डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है और आपको इमीडिएटली उनके पास जाकर के सलाह लेनी है। अगर आपके अंदर गले का इन्फेक्शन है या नाक का इन्फेक्शन है तो आप गर्म पानी का सेक लीजिए और गर्म पानी पी लीजिए, और ये जो काढ़ा वगैरह, जो आयुर्वेदिक काढ़ा है, होम्योपैथी की जो काढ़े की जो दवाई है उसका सेवन कीजिए, वो अपने आप पे स्वतः ठीक हो जाएगा। इसकी जगह पर लंग्स में अगर प्रॉब्लम है, खांसी आ रही है, शरीर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। तो जैसा कि सर आपके पास कुछ ऐसे उपाय भी हैं, जैसे कि अगर किसी को लगता है कि मुझे कोरोना संक्रमण हो चुका है और घर बैठे वो चाहता है कि अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करे, उसके लिए आपने यहाँ पर ऑक्सीमीटर और ये जो है स्टीमर भी बताया हुआ है, तो इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि वो घर बैठे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करे और इसका सेवन भी वो कर सके ताकि वो एक बार के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, तो उसके बारे में बताएं आप। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कोरोना में अगर कोई पेशेंट संक्रमित होता है और उसको श्वास लेने में तकलीफ आती है, ठीक है, श्वास लेने में तकलीफ आती है तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर को बताना पड़ता है। मोस्टली ये जो ऑक्सीमीटर होता है, इसका उपयोग आजकल पेशेंट बहुत करने लग गए, और ये चीज़ ये है कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को दर्शाता है। अभी मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि 95 से 95 से लगा करके 100 जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल है वो पेशेंट स्वस्थ है। 90 से लगा करके 95 तक का जिनके ऑक्सीमीटर का लेवल जो है, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर के अंदर, वो पेशेंट मतलब ठीक है, उसको स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन उस अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 80, 85 और 90 के बीच में आ रहा है और ये बार बार हो रहा है, तो आपको फिजिशियन डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है और आपको डॉक्टर का परामर्श लेना ज़रूरी है। ऑक्सीजन लेवल अगर आपके 95 से 100 के बीच में है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोरोना पेशेंट हो, आप अगर 7 दिन तक अपने आप को लॉकडाउन कर दो, आप अपने आप को क्वारंटीन कर दो, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से चलो, आप आपके रिकवर हो जाओगे, इसकी गारंटी है। अगर आपके अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा है, इतने बावजूद भी अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है शरीर के अंदर, श्वास लेने में तकलीफ आ रही है, श्वास चला जा रहा है, गले में खराश है, खांसी भी है, तो आपको डॉक्टर को बता करके आपको भर्ती होने की ज़रूरत है। तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे सर? हाँ, इसके अंदर ये है ऑक्सीमीटर है, इसको ऑक्सीमीटर कहते हैं। इसके अंदर 2 सेल लगे हुए होते हैं,
और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इसके अंदर जो सेल लगे हुए दोनों ऑपोजिट दिशा में लगेंगे। अगर जैसे अपन घड़ी के सेल लगाते हैं या रिमोट के सेल लगाते हैं, ऐसे नहीं लगेंगे इसमें। अच्छा, दोनों ऑपोजिट ऑपोजिट लगेंगे। कुछ लोगों की शिकायतें थी कि ऑक्सीमीटर चालू नहीं हो रहा है सर, वो क्या करते हैं कि वो अंदर जो सेल होता है उसको प्रॉपर वे में उसको लगाते नहीं है। तो मैं आप सबको बता दूं कि इसके अंदर जो सेल है प्लस और माइनस दोनों लिखा हुआ है, उसके हिसाब से अगर सेल लगाओगे तो ऑक्सीमीटर चलेगा। अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, मुझे चेक करके बताएं सर थोड़ा। हाँ, ये हमारे मीडिया बंधु का जो ये ऑक्सीमीटर मैं चेक कर रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये जो 83 बता रहा है वो आपके शरीर के अंदर पल्स है जी। धड़कन एक मिनट के अंदर 72 बार अपना धड़कन धड़कनी चाहिए और ये आपका है 98। तो एक मिनट सर इसको लगा रहने दीजिए, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं 98 ऑक्सीजन लेवल दिखा रहा है और पल्स रेट जो है 92, मतलब 75 के ऊपर होनी चाहिए, 72 के ऊपर होनी चाहिए, 72 के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन अभी ये 92 पे, मतलब मैं एकदम से आप ठीक है, स्वस्थ हूँ। तो ये फर्स्ट मैंने चेक कर लिया कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कम्प्लीट है और मेरा हार्ट बीट भी ओके है। अब इसके बारे में आप बताएं, जैसा कि ये स्टीमर आपने बता रखा है, अगर गले में खराश है तो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे इसकी? ये स्टीमर कहलाता है, इसको भाप लेने की मशीन भी बोलते हैं और वेपोराइजर भी बोलते हैं। तीन शब्द इसके, वेपोराइजर, भाप लेने की मशीन और स्टीमर। ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगा। इसको आपको प्लग में डालना है और सिंपल पानी लेना है। आरओ का पानी इसके अंदर बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। आरओ का पानी नहीं लेना, मतलब सादा पानी। आरओ का पानी आप लोगे तो ये काम नहीं करेगा, पानी गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। सिंपल पानी लेना है, आपके सामने मैंने इसको प्लग में डाला था, ये पानी अभी गर्म हुआ है, ठीक है, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए जी, है ना, गर्म हुआ है जी, बिल्कुल ये गर्म है। इसके अंदर भाप भी निकलेगी? हाँ, ये अंदर तो धुआं निकल रहा है। अब ये डब्बा है, इसके ऊपर अपन को इसको सेट करना है, ठीक है। सेट करने के बाद आपके पास विक्स हो या बाम हो और ऐसे टेबलेट आती है वेपोराइजर की, उसके अंदर डाल सकते हो आप पानी में, और फिर आप क्या करके दो से तीन बार दिन में, दो से तीन बार इसका आपको भाप लेना है। कितने मिनट तक इसको इस्तेमाल करना है सर? जैसे कि फर्स्ट एक बार अगर यूज़ करते हैं तो कितने मिनट तक यूज़ कर सकते हैं? आप एक बार में दो से तीन बार भाप ले लो, कोई समस्या नहीं, और लंबी श्वास में निकलना, मतलब जितनी देर अपनी क्षमता है, कैपेसिटी कितनी है भाई, जैसे कोई धमाका पेशेंट है, ठीक है, तो लंबी सांस ले पाए या नहीं ले पाए अपने हिसाब से, इसमें ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ज़ोर से खींचने जाओगे, आपकी कैपेसिटी के बाहर अगर जो खींचोगे तो दूसरी समस्या आपके अंदर हो सकती है। आपको नॉर्मल लेवे में भाप लेनी है और बाहर निकालनी है, मतलब अपनी क्षमता जितनी है उस हिसाब से इस भाप को अपन ले सकते हैं और दिन में तीन बार ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या सर इसका उपयोग करने से कोई साइड इफेक्ट, जैसा कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है फेफड़ों की, पहले से उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको यूज़ करने से कोई समस्या आती है? इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये तो आयुर्वेदिक टाइप ही है, उसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, पानी का भाप ले रहे अपन। हाँ, कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप खींचोगे तो फिर अपने आप को तकलीफ हो सकती है, लेकिन नॉर्मल वे में इसके कभी कोई साइड इफेक्ट आया नहीं अभी तक। मतलब अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आराम से, इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट नहीं है। और दो तीन बार दिन में लो, गले के अंदर कोई इन्फेक्शन है, गले के अंदर अगर खराश बनी हुई है तो इसके अंदर ये उपयोगी है, गला साफ हो जाएगा और फेफड़े में राहत मिलेगी। हाँ, राहत मिलेगी, निश्चित मिलेगी, 100% मिलेगी। इसके अलावा ये किस चीज़ का क्या इस्तेमाल है इसका सर? अब जैसे ये जो है जी, वो अपने पूरे भाग, आँख है, नाक है, मुंह है, ये सब में उपयोग में, पूरे फेस को कवर करेगा, पूरे फेस को कवर करता है। और किसी को लगता है कि यार मेरे आँखों में, मुंह पे जरूरत नहीं है, मेरे को केवल नाक में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये केवल नाक के लिए, ये नाक के लिए सिर्फ, ये केवल, हाँ, ये आप ये डाल दो इसके अंदर, और फिर इसके अंदर ये अपने नाक फंसा दो, नाक फंसा करके ना वो भाप लेंगे, नाक के द्वारा भाप लेंगे, इसके अंदर केवल नाक आएगा। जैसे ये डब्बा जो है वो आप पूरे फेस को कवर करेगा, हाँ, और ये सिर्फ नाक के लिए, अगर नाक में और गले में इन्फेक्शन, हाँ, है तो आप इसको बिल्कुल 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 ये इसके लिए और इसके बाद ये है 3-in-1 कहलाता है। ये तीन टाइप के होते हैं जी जी, इसका वेपोराइजिंग तीन टाइप से लिया जाता है। अब ये जो है ना, अब कभी कभी ये जो वेपोराइजर होता है इसके अंदर ये दो चीज़ें नहीं आती है जी, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं आती है और ये ही आता है। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे पास इसका सैंपल भी पड़ा है, इसका सैंपल भी पड़ा हुआ है, इसको लगा के आप ऊपर, हाँ, ये जैसे आपने लगाया और इसके ऊपर आप रुमाल ढक करके फिर इसको श्वास भाप ले सकते हैं। हाँ, ये डायरेक्ट, ये सिंपल है जी।
इसके अंदर ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा है, ये नॉर्मल है, ये इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें सिर्फ ये इस्तेमाल करेंगे तो आप रुमाल डाल के हाँ, इसका रुमाल का उपयोग करना पड़ेगा आपको, यूँ और कुछ नहीं इसके अंदर। तो ये चीज़ें हैं मैंने आपको बताया जी। ऑक्सीमीटर का उपयोग, ऑक्सीमीटर के अंदर शरीर धड़कन और ऑक्सीमीटर शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल 95 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका 90 से अगर बिलो है, 80 पर 90 के बीच में, तो यू शुड गो टू डॉक्टर एंड एडवाइस देम, सलाह लेनी पड़ेगी आपको डॉक्टर की, और डॉक्टर जो भी करे उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपके 95 और 100 के बीच में और आप संक्रमित भी हो कोरोना, तो अपने आपको 10 दिन तक क्वारंटाइन करो, तो आप निश्चित रिकवर हो जाओगे। तो जैसा कि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताई है आपने, और काफ़ी हद तक इस चीज़ को उपयोग करने से हम अपने आप को बचा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात अपना आत्म मनोबल अपना मजबूत रखें तो सारी बीमारियां हमसे दूर रहेगी। और अपने आप को बचा के रखें, ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाएं और सुरक्षित रहें जहां तक हो सके। जब तक कोरोना का खतरा हटे नहीं तब तक हम अपने आप को घरों में ही रखें, सुरक्षित रखें। ज़्यादा ही ज़रूरी काम है तो बाज़ार में आएँ, और अगर अपने आप को लगता है कि आप संक्रमित होने का आपको लग रहा है कि खतरा है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सकते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। जितेंद्र जी भाई साहब और सागवाड़ा लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लोगों की चिंताओं को देखते हुए और साधारण शब्दों में लोगों तक ये जानकारी कैसे पहुँचे, इसके लिए आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।